राधे राधे एवरीवन। आज जो मैं बातें बताने वाली हूँ वो लड्डू गोपाल को लेकर हैं। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ठाकुर जी की यानी हमारे प्यारे लाला लड्डू गोपाल की हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कहते हैं भजन और भोजन हमेशा एक अंत में यानी छुपा कर करना चाहिए। जब प्रभु हमें अपनी भक्ति देते हैं और जब हम उनके प्रेम में और भाव में इस कदर डूब जाते हैं कि प्रभु हमें कुछ ना कुछ अपनी लीलाएं दिखा करके अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो कौन सी लीलाएं होती हैं जो प्रभु हमें अपनी तरफ खींचते हैं? तो कहा जाता है कि भजन और भोजन हमेशा एक अंत में यानी छुपा कर करना चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी यानी लाला लड्डू गोपाल की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कहा जाता है भजन और भोजन हमेशा छुपा कर करना चाहिए यानी एकांत में करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारी पूजा पाठ भक्ति हमें एक अंत में ही करनी चाहिए। उजागर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे निस्वार्थ भाव से जब हम प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु कोई ना कोई लीला दिखाते ही रहते हैं और अपने भक्त को अपनी भक्ति के प्रति, अपने प्रेम के प्रति खींच लेते हैं और अपने प्रेम का आनंद हमें कराते रहते हैं। और केवल हमारे ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो केवल आपको प्रेम का आनंद करा सकते हैं। ये प्रेम का आनंद ठाकुर जी की भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं और इन्हें मानते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को अनुभूति ठाकुर जी ने कराई भी होगी कि ठाकुर जी की कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं, मानते हैं, भाव से भक्ति अथवा प्रेम और सेवा करते हैं, शायद ही कोई ऐसा भक्त बचा हो जिसके साथ प्रभु ने कोई लीला ना की हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लीला प्रभु अपने भक्त के साथ जरूर करते हैं। और भक्त क्या गलती कर बैठते हैं, उन बातों को, उन चीज़ों को, अपने भाव को उन लोगों के सामने उजागर कर देते हैं जो बात गुप्त अथवा अपने तक ही हमें सीमित रखनी होती है। उन लीलाओं को, उन बातों को बता करके उसका जो फल है वो छीण कर देते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। जब हम ये बातें किसी को बताते हैं, जो हमने अब तक सेवा की है, भक्ति की है, उसका जो फल है वो माइनस हो जाता है यानी घट जाता है। यानी आपने जितने भी लोगों को ये बातें बताई हैं, उस भक्ति का जो फल है आपने उन सभी में बाँट दिया। क्यों नहीं बतानी चाहिए हमें ये आपको सारी बातें, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। हमें क्यों नहीं बतानी चाहिए जो प्रभु की लीलाएं हमारे साथ घटती हैं? तो जब हम भगवान की लीला के बारे में हम सुनते हैं, जो सुनने वाला है चाहे वो कैसा भी आचरण का हो, उसे आपकी भक्ति की बातें सुनकर अथवा आपके ठाकुर जी की लीला सुनकर उनको फल प्राप्त होगा। और प्रभु की लीला यानी भगवान की लीला सुनने से हमेशा आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसको जो फल मिलेगा वो आपकी भक्ति में से होकर मिलेगा। आपने अपनी भक्ति के दौरान जो फल प्राप्त किया है उसी में से कट होकर उन लोगों को वो फल मिलेगा। और मैं उस भक्ति की बात कर रही हूँ जो लीला सिर्फ प्रभु आपके साथ करते हैं और आपको ही दिखाना चाहते हैं। तो भक्ति के भी कई रंग होते हैं। आपको बहुत ही सुंदर लीला सुनाती हूँ। भगवान की भक्ति जो है एक इत्र की तरह है। जब इत्र की बोतल या शीशी का जो ढक्कन है अगर आपने खुला रहने दिया, तो जो इत्र के अंदर की सुगंध है वो सारी उड़ जाएगी और सारे में उड़ जाएगी और लास्ट में खत्म हो जाएगी। तो उसको ढककर रखो, तभी उसकी खुशबू बरकरार रहेगी और इत्र की खुशबू बनी रहेगी और उस खुशबू का आप आनंद धीरे धीरे ले सकते हैं। तो मैं आपको एक श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी की लीला के बारे में बताती हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान एक गोपी के घर माखन चुराने के लिए गए थे और तभी वहाँ पर वो गोपी आ जाती है। तो गोपी बोलती है, तुम माखन चुरा रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भला मुझे माखन चुराने की क्या आवश्यकता, मैं माखन क्यों चुराऊंगा? तेरे माखन पर चींटी चढ़ गई थी तो वही मैं हटा रहा था और इतने में ही तुम आ गई। तो गोपी बोली, अच्छा तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तभी मेरे मुंह पर मक्खी आकर बैठ गई, मैं उड़ा ही रहा था तो मेरा हाथ मुँह पर लग गया।
और साथ में ही माखन भी मुंह पर लग गया, तो गोपी नहीं मानी और कृष्ण जी को अपने साथ ले जाती है पेड़ के नीचे और रस्सी लेकर आती है उन्हें बांधने के लिए। और बांधने का प्रयास करती है तो जो गोपी है एक गांठ बांधती है और गोपी कान्हा से प्रेम भी करती है, और वो भी छोटा सा सुंदर सा बालक जो रस्सी से गांठ कैसे बांध सकती, तो थोड़ा सा ढीला बांधती है वो गोपी। और गोपी बोलती है, मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया है, अब तू यहीं रुक, मैं अपनी सखियों को बुलाकर लाती हूँ, तू यहीं रुक। और भगवान भी बेबस गोपी के प्रेम में अपनी मर्जी से बंध जाते हैं और गोपी के मन में ये अहंकार आ जाता है कि मैंने कृष्ण को बांध लिया। तो गोपी सबको बताने जाती है कि मैंने श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। और जब भी अहंकार या अभिमान मन में आ जाता है प्रभु को लेकर या भक्ति को लेकर, तो तभी भगवान उससे दूर होते जाते हैं, यानी दूर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान अथवा अभिमानी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोपी ने बोला था कि मैं सबको दिखाऊंगी मैंने श्री कृष्ण को बांधा है। भगवान अपनी मर्जी से हमेशा बनते हैं, किसी के डर अथवा किसी के कहने से नहीं बनते हैं। तभी श्री कृष्ण रस्सी को खोलते हैं और भाग जाते हैं। और भगवान कृष्ण गोपी से कहते हैं, तुझे बांधना ही कहाँ आता है, मैं बताता हूँ कैसे बांधा जाता है। तो जब श्री कृष्ण अपनी प्रेम भरी नज़रों से गोपी को देखते हैं और बातों ही बातों में कब उसे बांध देते हैं, गोपी को पता भी नहीं चलता है और श्री कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, हमें इस लीला से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी भक्ति का जो फल है श्री कृष्ण की लीलाओं द्वारा जो मिलता है, तो हमें कभी भी किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, हमारे साथ जो ठाकुर जी लीला करते हैं, काफ़ी इस प्रकार की वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर देखी हैं कि प्रभु ने दूध पिया है कि जल पिया है या ठाकुर जी खुद चलकर बिस्तर में सो गए। जब हम अपने ठाकुर जी की लीला दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ठाकुर जी हमारे हमसे दूर चले जाते हैं। जब भगवान को पता चलता है कि भक्त मेरी भक्ति का, भक्ति के प्रति, मेरे प्रेम के प्रति अभिमान अंदर बैठा कर दूर हो जाते हैं, मन में बसाकर उनकी लीलाओं का आनंद लेते रहिए। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इनको आजमा सकती हैं, ये 101% सत्य होती हैं बातें। ठाकुर जी की लीलाओं को अपने अंदर जितना रखोगे उतनी ही भक्ति का आनंद प्राप्त होगा और आपकी भक्ति का आनंद उतना ही बरकरार भी रहेगा। मैंने खुद ये चीज़ें आजमाई हैं। ठाकुर जी की नॉर्मल बातें करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी लीला हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको बहुत आनंद आता हो ठाकुर जी की लीला बताने में, पर ये सब ठीक नहीं है। बाकी मैं ठीक नहीं समझती हूँ अपने ठाकुर जी की लीला बताना। बहुत सारी ऐसी लीलाएं प्रभु ने मेरे साथ की हैं, पर अब मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ। हाँ, भक्ति के प्रति हमेशा लोगों को प्रेरित जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे ये बातें पता चल सकें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।